में भी ऑफलाइन के अंदर नहीं मिल पाएगी, वो क्वालिटी हम ऑनलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑनलाइन मैंने बोला कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम गाने तो गाएंगे नहीं भाई, ठीक है, नाच गाने आते नहीं है, सिर्फ कंटेंट देना आता है। एक ही चीज सीखी है कि अगर बच्चे का मोटिव सिर्फ नीट में सिलेक्शन होना है तो वो हम कराएंगे, उसमें हमारी महारत है, ठीक है। इंटरटेनमेंट करने में महारत हमारी नहीं है, हमें नहीं आता इंटरटेनमेंट करना, ठीक है। पढ़ाना आता है, एक से बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। कंसेप्ट क्लियर करना आता है वो हम कराएंगे, हर चीज इंटरकनेक्ट करना आता है वो हम कराएंगे, और एनसीईआरटी की मास्टरी करानी आती है वो हम कराएंगे, चीरपाड़ हम कराएंगे, पीवाईक्यूज हम कराएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम कराएंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम पढ़ाएंगे, ठीक है। छोड़ने वाला तो कुछ भी नहीं है, लिमिटेड टाइम के अंदर, ऐसा भी नहीं है पूरी पीएचडी। लास्ट ईयर भी कोर्स मैंने जो कमिटमेंट था उससे दो दिन पहले कराया, उससे पहले भी जो कमिटमेंट था उससे पहले कराया, ठीक है। कितना भी लेट कोर्स स्टार्ट हो, जो कमिटमेंट है उससे पहले मैं एकदम बेहतरीन तरीके से ब्रेन में सेट कर दूंगा, ये मेरी आस से नहीं है, कई सालों से है बेटा, कई सालों से। कोर्स टाइम पर खत्म करना है तो आपको तो सिर्फ इतना, ना तो आपको कोर्स के बारे में सोचना, ना टाइम के बारे में, बस इतना सोचना है जो सर पढ़ा रहे हैं क्या वो हम कवर कर पा रहे हैं नहीं, बस ये सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। रिविजन हम करा रहे हैं, पीवाईक्यू हम करा रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस आपका सपोर्ट ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, दम जितनी भी हम लगा देंगे, पूरी दम लगा देंगे, ठीक है, 100% देंगे, बस सपोर्ट चाहिए आपका और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया कि पहले डायग्राम, मैंने ये डायग्राम बताया कि ये सॉफ्ट बोन है, ये कॉम्पैक्ट बोन है, हम कहां से कट कर रहे हैं ये भी बताया मैंने।